सकते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कर लिया, ठीक है। अब करंट कैरिंग वायर की सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हो। डायरेक्शन मैं आपको बता भी चुका हूँ 10th क्लास का, एक था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक है राइट हैंड पाम रूल। तो देखो याद है आप लोग क्या था, जब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर कोई एक एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसे जैसे हमारे पास ये थीटा आया था, फिर हमने बी का कॉम्पोनेंट डिजोल्व किया था, जो एन लेंथ था इसके साथ ये पैरेलल कॉम्पोनेंट बना था, ये क्या बना था हमारे पास बी कॉस थीटा बेटा, और ये वाला कौन सा कॉम्पोनेंट था बी साइन थीटा। अब हमारे पास ध्यान सुनना, जो मैंने आपको बताया था फोर्स था वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, देखो मैंने आपको बताया था कि डीएल और बी आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन डीएल क्रॉस बी वो हमारे पास फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे कंपल्सरी, ठीक है। अब इसके दो रूल हैं, एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा होता है राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड पाम रूल ही होता है कई जगह। तो राइट हैंड कर्ल रूल तो बहुत सिंपल है, एल से बी की तरफ जाओ, एल से बी की तरफ जाओ तो जो आपका थंब होगा वो आप क्या देगा फोर्स की डायरेक्शन देगा। देखो अब हाँ ये जरूरी है कि एल से बी किस तरफ जाए, यहाँ पे देखो सर एल तो ये ना बी कॉस थीटा या नहीं, बी का कौन सा कॉम्पोनेंट रोल प्ले कर रहा है, साइन का कॉम्पोनेंट ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो यानी कि मैं बी कॉस थीटा तो जहाँ पे भी होगा उसका इग्नोर मारूंगा, तो एल से बी की तरफ किस कॉम्पोनेंट की तरफ जाऊंगा बेटा बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट की तरफ जाऊंगा, एल से बी जाऊंगा तो ये देखो एस जाना पड़ रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, तो बाहर है नहीं तो मैं इसको ऊपर बाहर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां की हमारे पास इसमें बीच अंदर बीच में है ना, ऐसे वैसे एंगल बनाएगी इसके साथ पर इनवर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक रूल कौन सा होता है राइट हैंड कर्ल रूल, जिसे हम लोग क्या करते हैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो हमारा थंब जो होता है वो क्या देता है फोर्स देता है। दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर एफ फॉर फादर तो ये फोर्स बताता है, एम फॉर मदर ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्या बोल रहा था एम फॉर ऐसे गंदी गंदी बात कर रहा है, इशारे बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ, बता रहा था एम फॉर गाड़ी बता रहा था मेरे को कुनाले बच्चे का नाम। तो बेटा ये फादर मदर, और फादर मदर हो तो क्या आएंगे बाद में चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन हो गया सी। तो फादर फोर्थ मदर मैग्नेटिक फील्ड और सी पकड़, ठीक है। इन तीनों को आपस में परपेंडिकुलर खींचेंगे तो आपके पास ये अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है करंट को, तो ये आपको किसको बताएगा फोर्स। करंट के टाइम पे आ जाना, कई बार क्या करता है एग्जामिनर कि आपको इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप इसका इस्तेमाल ढंग से कर लेना, कि इलेक्ट्रॉन अगर दे रखा हो तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमारे पास इधर दे रखी होगी तो आप समझना करंट डायरेक्शन फिर ये है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है डायरेक्शन को करने में बच्चे गलती कर देते हैं, आप लोग गलती ना करें, केवल डायरेक्शन ऐसे याद रखना जहां पर भी आप बैठे दुनिया के किसी भी कोने में ईस्ट वेस्ट या कंफ्यूज जाओगे, अभी थोड़ी होगी कि सूरज किधर उग रहा है किधर की तरफ ईस्ट है नहीं देखेंगे ना, तो आपके राइट हैंड साइड में हमेशा ईस्ट होगा, तो मेरा ईस्ट किधर है बताओ, ये तुम्हारा ईस्ट किधर है उधर, तो ईस्ट हमारा सबका अलग अलग, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है ईस्ट वेस्ट नहीं पता, फिजिक्स के क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। ईस्ट हो गया लेफ्ट हैंड तरफ वेस्ट, जहां पे आप सामने फेस कर रहे हो नॉर्थ है, और आपके पीछे की तरफ क्या है साउथ है, और क्या है पीछे की तरफ है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है एज हो रहे हो। अच्छा ये अपवर्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड ये चीज याद रखना, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो था डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग द फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन है मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको दो तरीके हैं, एक कौन सा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा कौन सा था राइट हैंड कर्ल, ठीक है, याद है चीजें क्लियर है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट, वैसे तो ये बिल्कुल एनालॉगस है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा है, पर ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूंगा या मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता हूं, तो बेटा किसी भी एक कंडक्टर में जिसका हमारे पास क्लोज होना चाहिए कंडक्टर, वैसे तो एक क्लोज कैरिंग कंडक्टर का जो करंट वो कैरिंग कैपेसिटी है वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, सब कुछ पढ़ लेने पड़ा ऐसा। आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो बेसिकली ये कंडक्टर है, आपने इसमें आई करंट कुछ इस तरीके से दौड़ाया, यानी कि आपने एंटी क्लॉकवाइज दौड़ा दिया, और इसका जो एरिया होगा ध्यान सुनना, इसका जो एरिया होगा
उसका प्रोडक्ट करंट के साथ आप लोगों को क्या देगा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि आई क्रॉस ए हमारे, यानी कि आई द प्रोडक्ट ऑफ करंट टाइम्स द एरिया ऑफ अ कंडक्टर गिव्स द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एम इज इक्वल टू आई, क्लियर है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की जनरली डायरेक्शन वही होती है जो एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर में आपको बताया था इट विल पॉइंट रिलेटेड आउटवर्ड्स, कहीं से भी लेंगे, चैप्टर वन में आपको याद होगा वो, तो है ना। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो मैंने आपको अभी बताया कौन सा राइट हैंड कर्ल रूल, उसी के हिसाब से कर लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास राइट हैंड का कर्ल करेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कहीं पे भी कर लो। आपका ये जो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन है थंब बताता है, थंब क्या बता रहा है यहाँ पे इस समय, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, तो ये कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को हम लोग किससे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे पास सिंपल सी भाषा में आपको समझाई जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक प्लेन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिरता, क्या बोल रहा हूं मैं, एक प्लेन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं गिरता। डायग्राम में बना देता हूँ, जैसे कि ये वाला करंट है वो बनता तो है, तुम्हें पता तो ही मेरा डायग्राम 3D फिगर है, विष्णु को बुलाना चाहिए क्या बेटा। हाँ देखो, अब आपके पास करंट रूल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, आपके पास जो करंट है इस बार कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाओ तो करंट बेटा एक डायमेंशन में तो है नहीं कि भाई ये सिर्फ एक्स प्लेन में है, ये सिर्फ वाई प्लेन, ऐसा तो नहीं है इस बार कहानी, इस बार कहानी तो अलग अलग है। ये लग रहा है हमें थोड़ा सा इधर ही 3D फिगर, आप समझ ही पा रहे हो, देखो समझ गए। तो अब तो हमारे पास दो अलग अलग प्लेन है ना बेटा, ये ठीक है, अलग अलग प्लेन है, घुमा रहा है हार्ड डिस्क। तो प्लेन से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये समझ, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर दिस एज अ क्यूब, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा है पर मान लो ये क्यूब है, तो इसकी साइड सारी इक्वल होंगी, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, सारे ए हैं। यहाँ पे करंट मेरे पास जा रहा है आई करंट, कितना करंट जा रहा है आई करंट। अब इसके केस में हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको ऐसे केस में दिया जाता है तो आप लोगों के पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो बेटा सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट, लिख रहा हूं से रंग से। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि सम ऑफ इंडिविजुअल का यहां पर क्या मतलब है। देख, ऐसे केस जब दो प्लेन पर होता है जहां पर आपको जॉइंट दिख रहा है ना, इसको तोड़ दो और इसको कुछ ऐसे कर दो कि उस जॉइंट पे जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों चेंज करनी चाहिए। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, उस जॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज, यानी कि अगर एक बार इस नीचे वाले में इस तरफ रख रहे हो तो ऊपर वाले में इस तरफ, बस जॉइंट पर करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कैसे देखो, अब जैसे आप मान के चलो इसमें अगर आपके पास ऐसे जाइए राइट, तो आपके पास ये गई, इसके नीचे वाला जॉइंट है, अपने आप बनाना है मन में दिमाग, क्वेश्चन ऐसे देगा तो ये तुम्हें दिमाग में बनाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ में आगे वाला क्वेश्चन मैं तोड़ दू, और इसमें डायरेक्शन अगर इस तरह से दिए तो इसमें बस इस तरह से, देखो बाकी तो कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे बाकी तो चेंज हुआ ही नहीं एक्चुअली, अगर आप ज्वाइंट है इसमें आपके कर देना करंट को अलग अलग, और उसके बाद इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आपको पता ही है क्या कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, भाई करंट आई लेके जा रहा था इनटू में एरिया, अब ये क्यूब था तो ये तो स्क्वायर होगा ना एक साइड टू साइड, क्यूब की एक साइड टू स्क्वायर ही होगी, तो इसका एरिया आई इंटू एरिया क्या होता है साइड टू साइड आई ए स्क्वायर, क्लियर है। सिमिलरली इसका जो आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास आई ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो हमारे पास इस तरीके से कैसे कैसे जाएगा, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक्स प्लेन में रखा था, वाई प्लेन में रखा था, तो इसके केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो देखो ऐसे जा रहा है, तो अब देखो इस बार कहीं पे भी देखो अंदर की तरफ जा रहा है, समझ रहे आ रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसके केस में तो हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये माइनस आई ए स्क्वायर, ये अंदर की तरफ बेटा जो भी आएगा एक्स प्लेन का होगा तो अंदर माइनस एक्स होगा बाहर प्लस एक्स होगा, वाई मान रहे हैं तो चलो इधर माइनस एक्स होगा बाहर माइनस,
और इसका देखो क्या है कहानी, तो यार इसकी भी सेम यही है, ये भी हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये भी हमारे पास एक्स कैप मान लो इसको, या आई कैप लिख दो इसे, और इस वाले कितना हो जाएगा माइनस आई ए स्क्वायर जे कैप। समझ में आ गया ना बेटा, अंदर वाली चीजें माइनस लेते हैं, बाहर कार्टेशियन प्लेन तो पता है ना, थ्री डी में मेजर कर सकते हैं इतना, तो अंदर वाली चीजें माइनस बाहर वाली चीजें प्लस, ठीक है। तो ये आई ए स्क्वायर ये हो गया। अब मैंने बोला नेट नेगेटिव मोमेंट क्या होगा, तो आप क्या कह दोगे सर इट इज द सम, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा आई ए स्क्वायर आई कैप प्लस आई ए स्क्वायर जे कैप। लेकिन रुको ये है ना कहानी, तो माइनस आई ए स्क्वायर बाहर ही ले लेते हैं, तो माइनस आई ए स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप इस वाले बॉडी का नेट मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, करंट टाइम्स द एरिया एनक्लोज बाय द कंडक्टिंग बॉडी, करंट टाइम्स द एरिया एनक्लोज बाय कंडक्टिंग बॉडी। जैसे कि यहाँ के लिए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए जो हमारे पास आया क्या आएगा आई करंट, एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। सिंपल है, डायरेक्शन क्या है राइट हैंड कर्ल रूल, जहां पे थंब आएगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा किसके साथ होगी ऑलमोस्ट एरिया वेक्टर के साथ होगी। कोई दिक्कत है इसमें किसी बच्चे को, नहीं है प्रॉब्लम। अब एनसीईआरटी आगे हमारे पास एक चीज देती है कि नॉन कंडक्टिंग अगर कोई चीज अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही, ध्यान सुनना इस चीज को, एक सर्कुलर लूप है ठीक है, तो ये जो रिंग है बेसिकली नॉन कंडक्टिंग इसने बना रखी है, और ये जो नॉन कंडक्टिंग रिंग है क्या है बेटा, नॉन कंडक्टिंग रिंग ये अपने इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रही है। अब अगर घूमेगी तो उसके पास क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 11 का एक टॉपिक दिमाग में लगाना पड़ेगा जिसका नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे एनसीईआरटी कहते हैं अगर कोई बॉडी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उस समय पर हमारे पास जो रेशियो होता है ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ये एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, ये एक कांस्टेंट आता है ठीक है। कितना आता है, जैसे क्यू बाई टू एम आता है, कैसे आता है हम लोग देखते हैं, ये कांस्टेंट आता है और इसके इक्वल आता है क्यू बाई टू एम। आइए चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट टाइम्स द एरिया और रेशियो ऑफ एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा था आई ओमेगा, आर क्रॉस पी, आई ओमेगा है ना, ये सारे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले थे। याद करा आ रहा है कुछ, चैप्टर नंबर 7 रोटेशन है ना, जो बाउंसर मारता है अधिकतर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ओमेगा, प्लीज ये आई से आई में थोड़ा देना, करंट का आई है छोटा आई कर देता हूँ, ये करंट का आई है और ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक रिंग लिया मैं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को याद है कितना हुआ करता था, एम आर स्क्वायर 2/5 भी नहीं ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2 उसका डिस्क का ठीक है, सॉलिड स्फीयर 2/5। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी एम आर स्क्वायर किसकी आई, रिंग के वो आ गया आई इज़ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ओमेगा क्या होता था, क्या मैं इसको 2π टाइम्स फ्रीक्वेंसी लिख दूं, देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2π f लिख सकता हूँ, और करंट को मैं लिख सकता था चार्ज अपॉन टाइम, तो क्या मैं इसको qf लिख दूं, भाई 1/T टाइम का फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है 1/T इज इक्वल टू f। तो हमारे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं qf, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन आई की जगह पर क्या लिखूंगा मैं बताओ, ये वाला बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर ठीक है, और इनटू ओमेगा की जगह पाई है, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एफ से एफ गया, एम अपॉन ए मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, एम अपॉन ए इसके इक्वल आ जाता है बेटा हमारे पास क्यू अपॉन 2m, ये बोला था मैंने तो यही आ गया है ना। अब देखो एक्चुअल में तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था, जहां पर हमारी एनसीईआरटी बोर मैग्नेटॉन को भी डिराइव कराती है, एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि उसका एंगुलर मोमेंटम
MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। वैसे में 4πm आता है एग्जैक्टली, लेकिन हमें ये वाली जो चीजें हैं जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ना है। और अगर अभी मैं इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ तो आप लोगों में से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे थे ही नहीं, है ना, तो दिक्कतें वैसी आएंगी। और ना आप लोगों को ये चीजें याद होंगी अभी बोर क्या काम कर रहा था, तो बोर का जो पोस्टुलेट्स हैं उन सब की डेरिवेशन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ कि जब मॉडर्न फिजिक्स में है तो पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है। मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे रिलेट करके भी समझा दूंगा, कोई वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब आगे मैं आप लोगों से अगर कहता हूं कि एक फिगर है लेट्स से कुछ इस तरीके की कि इसमें इग्लू बना रहा है, ठीक है, और इसमें मैं आपसे कहता हूं चलो करंट यहां से ऐसे, और आपके पास यहां पर ये दो एक सेमी सर्कल आपको दिखने चाहिए, यहां पर ये आपके पास R है और ये आपके पास चलो R1 है, करंट आपके पास आई गया है। ऐसा फिगर देकर आपको कह दे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, हमें क्या पता सर कितना होगा, ये तो अभी आप ही करा दो। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाना है, बहुत ही सिंपल वाला, कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है। देखो आपके पास करंट यहाँ पे गया है तो पहले करंट को पूरे सर्किट में घुमाओ, करंट यहाँ पर ऐसे गया है, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे जाएगा, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था I इंटू एरिया हुआ करता था बेटा, करंट तो हर जगह सेम है लेकिन एरिया हमारे पास सेम इस बार नहीं, तो एरिया में डिफरेंस क्या आएगा, देखो एक्चुअल में ये एक सेमी सर्कल है, मैंने आपको बता दिया है, ये जब सेमी सर्कल अगर बना रहा है तो इसका मतलब इसका एरिया है वो सर्कल का भी आधा हो जाएगा बच्चा, सर्कल का एरिया जब आधा हो जाएगा तो क्या मैं उसको पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिख सकता हूँ, यहां तक तो किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने इसको पाई आर स्क्वायर बाय 2 लिख दिया है तो इसका मतलब जो बाहर वाले सर्कल का एरिया होगा वो कितना आएगा, पाई आर वन स्क्वायर बाय 2, और इनमें अगर मैं करंट की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल तो प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, आई इंटू पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर स्क्वायर बाय 2 भी कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू। बट ये आंसर हमारे पास गलत है। अब ये आंसर क्यों गलत है आइए जानते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज सबसे पहले इग्नोर करी, वो क्या करी, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इग्नोर कर दिया। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो आपने देखी नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट दो लूप की वजह से अलग अलग जगह जा रही है। चेक करिए इस छोटे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ कर्ल करके देख लो, करंट ले जा रहा है और हम क्या देता मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ आ रहा है। अगर एक चीज आपको अंदर खींच रही है, एक चीज बाहर ले जा रही है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, किसकी तरफ जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, डिपेंड करेगा कि ज्यादा कौन खींच रहा है, डिपेंड करेगा कि ज्यादा कौन खींच रहा है, भाई एक बच्चा मुझे जैसा खींच रहा है, एक बच्चा मुझे जैसा खींच रहा है, तो डिपेंड करेगा ना मुझे कहां से खींच रहा है, मैं उस तरफ जाऊंगा, लेकिन हाँ ये पक्का है नेट फोर्स माइनस होगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट। अगर यही चीज दोनों में नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी, सेम जगह पर आते तो बेटा हम लोगों का आंसर सही रहता, ऐड कर देते और डायरेक्शन ले देते काम पर, लेकिन अब हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारा डायरेक्शन किस तरह का, तो सिंपल सी बात है ये देख लो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा यार ये वाला है, बड़ा वाला जिसका एरिया बड़ा है, तो यानी कि जो बड़े वाले का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा तो उसका एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन नेट आउटवर्ड आर वन में से आर टू माइनस करना पड़ेगा, यानी आर वन माइनस आर का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की आउटवर्ड। तो ये आप लोगों के पास छोटे मोटे क्वेश्चन दे देता है आपसे खेलने के लिए और आपको घबराना नहीं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला बेटा मैंने, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक मिनट, एक चीज रहेगी छोटी सी,
बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी एसी बंद कर दें, बेटा कर दिया। मैंने आपको बताया कि इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आई ए होगा। अगर बेटा इसके केस में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या में बढ़ा देता हूँ, किसकी संख्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अगर मैं बढ़ा देता हूँ, तो बेटा हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए उसकी मल्टीप्लाई कर देना, तो एक एन नंबर ऑफ टर्न्स आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, सिंपली एम इज इक्वल टू एन टाइम्स आई ए, वही मैग्नेटिक मोमेंट एन टाइम्स बढ़ जाएगा, सिंपल राइट। अब मैं आता हूँ टॉर्क, जब हमारे पास हेड डाल रहे हैं टॉर्क, टॉर्क ऑन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, करंट करेंगे, लूप लिख लो, प्लेयर लूप लिख लो, कंडक्टर लिख लो, एक ही बात, ठीक है। देखो बेटा, हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, पहले तो एक बात दिमाग से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी लूप होगा अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब मैंने नेट फोर्स की बात तो नहीं करी है, मैंने बात किसकी करी है, टॉर्क की, तो कुछ ना कुछ तो अंतर है, टॉर्क हमारे पास रोटेशन इफेक्ट का फोर्स होता था, है ना, फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक टॉर्क आता था। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कितने ही टॉप व्यू फ्रंट व्यू किताबों में दे रखे हैं, कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगा लेना, एक किताब मैं उठा लेता हूँ ठीक ठाक सी, और उसी से हम लोग जो है समझ, ठीक है। देखो अभी मेरे पास कहानी ये है कि मैं आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना चुका हूँ, ध्यान सुनना इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने कॉइल रखा है इस तरीके से रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कॉइल यहां पर रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कॉइल ये रखा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैंने कॉइल अंदर की तरफ, बहुत सारे मैग्नेटिक, इसमें मैंने कॉइल, तो कॉइल परपेंडिकुलरली मैंने भी प्लेस कर, ठीक है, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके केस में अगर लेट से करंट क्लॉकवाइज जा रहा था, क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज जा रहा था, तो यहां पर मैंने आपको बताया जब भी कोई करंट कैरिंग लूप हो, इसको आप करंट कैरिंग लूप भी सकते हो, कंडक्टर ले सकते हो, कंडक्टर करंट कैरी करता है, एक ही बात, तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग प्लेनर लूप, करंट कैरिंग प्लेनर लूप, ठीक है, प्लेस इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म। अब देखो मैं पहले इस वाले बेस की बात करता हूं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, नीचे वाले पोर्शन की बात अगर मैं करता हूं तो ध्यान से देखो, नीचे वाले में मेरे पास जो करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को अगर मैं इस तरफ ले गया तो फोर्स आउटवर्ड आ रहा है, इस वाले में जा रहा हूं तो इधर आ रहा है, इसमें आउटवर्ड आया, इसमें भी आउटवर्ड आया, इसमें नहीं मैं जा रहा, ऐसे जा रहा था, तो इसमें जो देखो इसमें एक्चुअल में ऐसे आ रहा है ना बाहर की तरफ, तो इसमें भी बाहर की तरफ भी आ रहा है, अभी थ्री में मैजिक कर रहा है, तुम्हारे को ऐसे रखा हुआ है, तो बेसिकली ये और ये ऑपोजिट आपको दिख रहे हैं, देखो ये ऐसे आ रहा है और ये देखो ऐसे ऑपोजिट दिख रहा है, सिमिलरली यहां पर भी देखोगे तो ये जैसे हमारे पास किया जा रहा है इधर, तो ये इधर से ऑपोजिट हो गया, तो ये बेटा आपके पास ऐसे रखा हुआ है, सी और डी में ये आ रहा है, ये हम आपका इंडिकेट करेगा इस तरह आपको मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन से, अभी देखो देखो यहाँ पर ये भी आउटवर्ड है, ये इधर की तरफ से आउटवर्ड है, इधर की तरफ से आउटवर्ड है, इधर की तरफ से आउटवर्ड, तो बेसिकली ऐसा है ना, करंट कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, देखो एस एस ये हमारी किताब, करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ रखा था, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस पर लगने वाला फोर्स इधर, 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 चेक कर लो, देख के हो जाएगा, तो ढंग से कर लो ना, जैसे जा रहा है करंट यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या करना था हम लोग, जिस तरह पे जा रहा है उस तरफ आगे लेके जाओ ना, डायरेक्शन बाहर आ गया, इस तरह देखो जाओ, ये ऐसे लेके जाओ, ये बाहर आ रहा है,
इस तरफ करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे देखो थंब देखो मेरा बाहर कहाँ जा रहा है बेटा, ये जा रहा है करंट, ये थंब अंदर कहाँ है इसका देख, इधर यहाँ चेक करो, यहाँ इस तरफ आया था आपकी तरफ, यहाँ ऐसे देखो आपकी तरफ आया था और यहाँ पर देखना आपसे उल्टा जा रहा है, तो ये इक्वल और अपोजिट हो गया ना, सिमिलर यहाँ का केस भी हो जाएगा, ये ऐसे जा रहा है किसी को ऐसे रखोगे तो नीचे जा रहा है, तो इक्वल और अपोजिट हो गया ना फोर्स। कमाल वाली बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही दो मिनट में, अब आ गए कोई बात, मुझे भी नहीं आई पहली बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो टॉप व्यू फ्रंट भी देख देख के पागल हो गया, ये देख लो यहाँ से देख लो, अब समझ में आ गई सिंपल। ये तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, नेगेटिव फील्ड को इमेजिन नहीं करता, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब आप तो आराम से हो रही है, नेगेटिव फील्ड में परपेंडिकुलर रख दिया, इसका यहाँ जा रहा था, इसका यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है, इसका यहाँ जा रहा है, सारे इक्वल है, अपोजिट है, इसे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, फोर्स की डायरेक्शन, नेट फोर्स तो हमारे पास जीरो है, तो यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उसका हमारे पास नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, जिससे मैंने अपने आप लिखा ना, नेट फोर्स इसमें जाएंगे तो सारे आउटपुट आएंगे और आउटपुट इक्वल टू अपोजिट होंगे, इसलिए जो आपके पास नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। अब हाँ कैंसर आउट, मैंने इस लूप को थोड़ा सा घुमा दिया, मैंने इस लूप को थोड़ा सा घुमा दिया, ये जो लूप था पहले मेरे पास ऐसे बना रहा था, अब ये मेरे पास कोई एक एंगल बना रहा है, नेगेटिव के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना सच दैट कि ये ऐसे हो, समझ में आ रहा है, ये जो एंगल बना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो थीटा बना है मेरे पास, इसके यहां पर बना रहा, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन थी, ये जब मैंने लूप को घुमाया, क्लियर, समझ में आ गया ना, जब मैंने लूप को एंगल से घुमा दिया तो ये हमारे पास कहां नहीं आ गई, तो ये मेरे पास थीटा रहेगा, तो बेसिकली ये भी थीटा रहेगा, है ना, और ये सेंटर पॉइंट से घुमाया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, ऐसे घुमा रहा हूं तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर है सेंटर पॉइंट से घुमा, अब इसका नाम, अच्छा ये मेरी जो कॉइल थी कैसी थी, रेक्टेंगुलर लूप, कॉइल कैसी थी मेरे पास, रेक्टेंगुलर लूप, और ये रेक्टेंगुलर लूप है बेटा, ध्यान सुनना इस चीज को, इसकी एक साइड क्या होगी, लेट्स से ये साइड ए मान लेता हूं और ये साइड क्या मान लेता हूं, बी, एक साइड ए मान ली एक साइड बी, तो ये वाली मैंने घुमाया तो आप मुझे बताओ कि ये वाली साइड पे कोई चेंज पड़ा है प्रोटेन की वजह से, नहीं, क्या इस वाली साइड पे कोई चेंज पड़ा नहीं, हाँ इस पे जरूर पड़ा है, एक्सेस प्रोटेक्शन कह रहा हूँ, ये वाली जो साइड है ये चेंज हो रही है, इस पे और इस पे तब भी कोई फोर्स नहीं पड़ रहा, चेंज नहीं पड़ रहा है, ये वाली साइड मेरी बी थी तो आधी क्या हो जाएगी, बी बाय टू हो जाएगी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, भैया तो बी बाय टू हो जाएगी, और ये बी बाय टू है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है कितना हो जाएगा, बी बाय टू कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा बताओ, बी बाय टू साइन थीटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर आ रहा है सब कुछ समझ, ओ नाउ ये जो मेरे पास कहानी रहेगी, ध्यान सुनना इस चीज को, अब क्या रहेगी, करंट तो मेरे पास जहां भी रहा था क्लॉकवाइज जा रहा था, इसमें करंट तो मेरे पास अभी क्लॉकवाइज जा रहा था, अब इस पर लगने वाला जो फोर्स था वो तो अभी ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, इस पर लगने वाला जो मतलब उससे कहा होगा ये इनवर्ड जाए, मतलब तुम प्लीज इसको ऐसे मत करना, मेरे को ऐसे ही करना है, तो तुम समझ गए होगे कौन सा फोर्स, तो इस पे तो अभी आउटवर्ड आ रहा है, इस पे अभी उल्टे की तरफ इनवर्ड जा रहा है ना, तो अगर मैं इस पे ऐसे लेके जाऊंगा तो गलत हो जाएगा, तुम उससे समझ जाएगा बुक से कि हमारे पास क्या केस होता, हाँ तो कुल मिला के बेटा कहानी तो ये हो गई ना यार, इस पे तो अभी फोर्स जीरो है, जब मैंने इसे घुमा दिया तो नेट फोर्स तो जीरो है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो इधर फिर फायदा क्या हुआ, तो बेटा फायदा ये हुआ कि अब हमारे पास है, सुनो यहां पर ये ऐसे मैंने घुमाया है इसको एंगल पे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इस तरफ लग रहा है, इस पॉइंट पे फोर्स है, ये इस तरफ लग रहा है, तो आपका फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है ये ऐसे, तो मैंने बाहर की तरफ भी लगा, 3D में लग रहा है फोर्स इस तरफ लग रहा है, सिमिलरली इसका जो फोर्स लग रहा है ये हमारे पास देखो अंदर की तरफ लग रहा है, समझ पा रहे हो ना, ये इसका फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इसका फोर्स इस पॉइंट पे कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, और इसका फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, अब हाँ ये कपल बल, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब किसी बॉडी पे रोटेशन उसमें बन रहा है तो हमारे पास क्या बनाया था, कपल,
और कपल की वजह से हमारे पास क्या आता है उसमें टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स तो हमारे पास ये है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला जो पॉइंट है समझ में आ रहा है। तो जो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये करना है, दूसरा सेम यही है, ये भी है हमारे पास बी बाई टू साइड हो जाएगी, तो ये बी बाई टू कॉस थीटा और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे वाला बी बाई टू साइन थीटा, तो इसके फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, समझ आ रहा है। तो हमारे पास लिख दूंगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना होगा बेटा बी बाई टू ऑफ साइन थीटा प्लस दूसरा भी तो है एफ इंटू बी बाई टू ऑफ साइन थीटा, चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। तब आपने इसको टेढ़ा किया ऊपर से जैसा आपने एंगल बनाया तो नीचे से बनेगा ना, हाँ पर नीचे से भी तो सेम इंचेस हो रही होगी ना, घुमा तो इसी डायरेक्शन में रहा होगा ना उसको, उसी के से टॉर्क आ रहा है, इसकी वजह से कैंसिल आउट होगा बस, क्योंकि ये तो अभी परपेंडिकुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड के, ये चेंज हुई है बस एक्सिस, फोर्स डबल हो जाएगा नहीं आधे आधे पे लगा क्या बोल रहे हैं सेंटर पे जा रहा है एंगल ऑफ जो आपकी लाइन ऑफ एक्सिस है वो ये है, ठीक है। तो फोर्स ये कर दिया मैंने फोर्स टॉर्क, फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो है, टॉर्क बोल नेट फोर्स तो इक्वल टू जीरो है, अब भी जीरो ही होगा बेटा, चाहे आप इसे डिग्री से घुमाओ चाहे मत घुमाओ, हाँ उससे फर्क नहीं पड़ा नेट फोर्स, लेकिन नेट टॉर्क पे फर्क पड़ा क्योंकि लाइन ऑफ एक्सिस अलग अलग है, जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो चेंज हो गई है ना, तो इसलिए लाइन ऑफ एक्सिस चेंज होने की वजह से एफ इंटू बी बाई टू साइन थीटा और एफ इंटू बी बाई टू साइन थीटा, अब तो सिंपल ही हो गया, क्या हो जाएगा टू एफ बी बाई टू साइन थीटा, टू से टू गया तो आ जाएगा एफ इंटू बी साइन थीटा, राइट। अब देखो ये जो फोर्स है ये किस वाली उस पर लग रहा है, इस पे लग रहा है भाई, इस पे तो फोर्स लग रहा था, अब वो एक करंट कह रहे कंडक्टर के से लगने वाला फोर्स कितना हो रहा था एन, याद है एफ इजिकल टू बी आई एल पिछली क्लास में कराया था यार, तो एफ इजिकल्स टू बी जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था, आई जो ये करंट लेके जा रहा है और एल का मतलब जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी थी ए, बी साइन थीटा, क्या ए इंटू बी आपको एरिया दिख रहा है, क्या आपको ए इंटू बी एरिया दिख रहा है किसी रेक्टेंगल लूप का, तो बिल्कुल ठीक है एरिया लिख दो, जो आपके पास नेट टॉर्क आया वो कितना आया बी आई ए साइन थीटा। एक्चुअल में कुछ किताबों में ऐसे भी दिया होता है इसका सीधा सीधा वैल्यू, ये जो डायपोल है ये ऐसे हो गया है हमारे पास, ये ऐसे झुक गया है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई बी बी, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये थीटा है, थीटा है जिसको, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइट को, बेस आपके पास ये है, बेस आपके पास ये है, हाइट हाइट को बी है, तो बी अपॉन एच सॉरी बेस अपॉन हाइट को है ना, तो बी तो मेरे को निकालना है एक्स अपॉन हाइट को यानी कि बी, ये वाली जो देखो फोर्स कहां लग रहा होगा इसका ऐसे और ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस निकालोगे कैसे निकाल लोगे यहां से, तो एक्स कितना आ गया बताओ बी साइन थीटा, लगने वाले ये फोर्स तो एफ अभी भी वही है, तो एफ टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आर की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि बी साइन थीटा इंटू एफ, और यहां से भी सेम वही चीज आ जाएगी, कैसे भी कर सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है इसके बाद टॉप व्यू लिया जाता है, मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये तो ये है थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही ऐसे होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगेन वही कहानी क्या कि अगर आपके पास लूप में एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, क्या होंगे एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास एन आई ए बी साइन थीटा, तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का खात्मा हो सकता है, समझ में आया। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा बेटा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा, मिनिमम कब होगा जीरो नहीं बोलते मिनिमम बोलते, ठीक है। टॉर्क जीरो में फोर्स नहीं जीरो सा पानी तो कुछ होगी नहीं, फिर तो बेकार किए कर ही क्यों रहे, मतलब इससे अच्छा तो जीरो ही करना सब कुछ, तो टॉर्क मिनिमम आएगा आएगा जीरो ही पर मिनिमम पर, ठीक है। किस पे रहेगी बेटा साइन जीरो, ठीक
थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास टॉर्क का हो गया, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा हो गया। अब ध्यान सुनना, क्या आप लोगों को एन आई ए जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा? अभी लगा है, अभी दो घंटे पहले पढ़ा है, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। टॉर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम क्रॉस बी। तो ये टॉर्क है ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, एम क्रॉस बी। और बेटा मैग्नेटिक मोमेंट से बी की डायरेक्शन में क्रॉस होगा, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आप लोगों को पता ही दिया है मैंने, जैसे क्लॉकवाइज घूम रहे तो अंदर है ना, और बी जो है हमारे पास वो भी हमारे पास क्या है, अंदर की तरफ। तो एम क्रॉस बी कर लेना, उस डायरेक्शन आपके पास क्या आएगा, टॉर्क। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय एम क्रॉस बी, समझ में आ रहा है? जैसे टॉर्क डायरेक्शन आर क्रॉस एफ दिया करते थे, एक पॉइंट फिक्स करके आर से एफ की तरफ घूम जाते थे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट फिक्स कर लो तो देखो आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये पॉइंट तो अंदर का है और इसमें घूमोगे तो बाहर का आएगा। देखो आर इस पॉइंट फिक्स को आर से एफ की तरफ घूमो तो बाहर की तरफ लगता है, एक टॉर्क अंदर है, इसका टॉर्क है ये अंदर, इसका टॉर्क बाहर, और एक टॉर्क अंदर बाहर कर रहा है, इसलिए रोटेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सी कहानी होती है आपके पास किसकी, जो कि टॉर्क जब आपके पास किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, नेट फोर्स क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, कितना होगा वो एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए मेरे पास जो मेरे पास टॉर्क आया किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वैल्यू बेटे मेरे पास कितनी आई है बताओ, एन आई ए बी साइन थीटा आई है, एन आई ए बी साइन थीटा आई है, या फिर मेरे पास क्या है एम बी साइन थीटा, ये इस पे लगने वाला टॉर्क। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी एक, इसको मैंने मैग्नेटिक डायपोल ही बोल सकता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था उसमें तो इक्वल अपोजिट करते थे, वहां पे क्या होता टॉर्क पी साइन थीटा, सेम डेरिवेशन मतलब थोड़ी सी अलग है पर अब जो अगर डेरिवेशन सेम, तो उसका ही वर्डन निकाल दो पी कॉस थीटा, कॉस थीटा पर माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर भी करके देखते हैं, जब आप इसको किसी स्लाइट एक एंगल से थीटा वन से थीटा टू तक लेकर जाते हैं तब आपका वर्डन कितना होगा। तो बेटा क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था वर्डन इक्वल्स टू टॉर्क टाइम्स डी थीटा, यानी डी थीटा चेंज जो किया है नाइन्थ का, मेरा मतलब इलेवन, तो वर्डन इज इक्वल टू टॉर्क टाइम डी थीटा, अरे यार वही तो है एफ क्रॉस एस वर्डन, बस यहाँ पे फोर्स कौन सा आ जाएगा टॉर्क का, और तो कोई चेंज होना नहीं है, सिंपल है। तो जो वर्डन है ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, टॉर्क डी थीटा के, अभी टॉर्क था वो किसके इक्वल था एम बी साइन थीटा के इक्वल था, तो जो डी थीटा के लिए वर्डन आएगा वो डी डब्ल्यू आएगा बेटा, मैं डी डब्ल्यू लिख देता हूँ आ रहा है ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो अगर रिजल्ट में डब्ल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां था, थीटा वन से थीटा टू तक, थीटा वन से थीटा टू तक लगाऊंगा बेटा। अब साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉस थीटा, वो कॉस थीटा बोल रहा बैठ मैथ्स वाला, ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, बड़ा वाले से होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू लिखा है डायरेक्ट डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटा देखो माइनस, इसको बाहर लिख दिया मैंने एम बी कॉस ठीक है टू माइनस थीटा वन, चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इस माइनस वन बनाता हूँ थीटा वन माइनस थीटा टू कर सकता हूँ, तो मेरे पास वर्डन कितना आ जाएगा एम बी इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू देखी जाती है तो मेरे को आप ये बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड था और ये एम था ये तो परपेंडिकुलर थे, यानी कि इनिशियल पॉइंट थीटा वन आपके पास कितने पे था 90 डिग्री पे था, परपेंडिकुलर थे ना भाई, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर थे, इनिशियल कंडीशन में सबसे पहले यह रखा था मैं, है ना, तो ऐसे केस में थीटा वन जीरो सॉरी 90, तो थीटा वन 90 होता है कॉस थीटा वन 90, और कॉस थीटा वन मतलब कितना हो गया ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा,
ये वाला बचेगा, तो जो बर्डन आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा टू या सिंपल कॉस थीटा, जितने डिग्री से आपने उसे रोटेट किया है उतना ही आ जाएगा। लेकिन ये कहानी तब के लिए सही है जब आप लोगों के पास इनिशियली 90 डिग्री पे दे रखा हो। अगर 90 का देखो कहता है 30 से 60 पर पहुंचाया तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा कि पहले कितना था और बाद में कितना है, चेंज निकालने बैठ जाए आप। यहाँ पे बर्डन कितना आ जाएगा एम बी कॉस थीटा, समझ में आ गया। और यही बर्डन जो है हमारे पास थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिखा होता है, वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहां पे लेके आया माइनस एम बी कॉस थीटा है ना बर्डन, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है वो कितना हो जाएगा बर्डन फाइनल माइनस बर्डन इनिशियल। फाइनल आप टिकट ऊपर लेकर आए होंगे तो बेटा ये बर्डन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होगा, तो यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जो यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आती है किसके इक्वल आ जाती है यू इज इक्वल टू ये तो प्लस हो जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा माइनस एम बी, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा ऐसे, ठीक है समझ में आ रहा है यहां तक, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बर्डन इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होते हैं और यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस, कोई दिक्कत। ये चीज हम लोगों ने यहां से भी निकाल के दिखा दी थी बट ये मैंने आपको बता दिया कि बर्डन कैसे निकालेंगे। तो जो चेंज इन बर्डन होगा वही हमारे पास इस फॉर्म में स्टोर होगी पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमारे पास आता है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस क्या होता है, यानी कि जब ये हमारा डायपोल मैग्नेटिक डायपोल बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल जब आपके पास थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का मतलब क्या है यानी कि आपका एम और बी के बीच में कोई एंगल नहीं, जिस डायरेक्शन में एम है उसी डायरेक्शन में एंगल की, तो इसका मतलब आपके पास यू और बी के बीच में एंगल जीरो, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, राइट। तो माइनस एम बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब ये होता है कि आप अगर उसे वहां से हिलाएंगे तो ये वापस से उसी डायरेक्शन में चल जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका एम और बी लगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180 है तो सेम प्लेन पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और एम इधर जा रहा है, तो ऐसे केस में जो आपका अगर आप इसे यहां पर उठा के रखोगे तो ये वापस से इधर जाना चाहिए, वापस से इधर जाना चाहिए, ये 180 तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले थीटा इज इक्वल टू 180 पे बेसिकली वैल्यू कितनी है प्लस वन प्लस एम बी कॉस थीटा आ जाएगी ना, प्लस एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा होता है सेम बात है, इसमें लिख दिया उसमें लिख दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एम बी कॉस थीटा कॉस 180 माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एम बी अनस्टेबल भी है और ये माइनस एम बी है उससे मैंने आपको पहले बता रखा है कि एनर्जी जितनी लोअर रहेगी उतनी स्टेबल, ठीक है। यहां पर भी कहानी यही है, माइनस रखेंगे तो लोअर रहेगी और प्लस में रखेंगे तो क्या रहेगी अनस्टेबल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इससे रिलेटेड है, इसलिए हम लोग उसे कर रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये चीज दिख रही है कि हमारे पास क्या वैल्यू है टॉर्क की एनआईएबी साइन थीटा आई है ना, इसको उड़ा दू मैं इसको हटा दू, ये सारी चीजें क्लियर है बर्डन है ना और आपका टॉर्क कितना आया, उसके बाद आज तो ठीक ठाक टॉपिक कवर हुए हैं बट अभी भी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और कवर हो जाएगा, कौन सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो बहुत ही सिंपल है और किस तरीके से क्या करना है आइए जानने की कोशिश करते हैं। देख जब आप लोगों के पास एक सॉफ्ट आयरन कोर अंदर लिया जाता है, क्या लिया जाता है सॉफ्ट आयरन कोर, बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है पहले चीज को समझते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा मैं, पर अभी आपको समझा दूंगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि आसपास से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो इस सॉफ्ट आयरन कोर पर मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ा दू, किस चीज पर एन नंबर टर्न्स, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज ठीक है
और इसको मैं यहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूँ एक फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर से, और यहाँ पे लेट से एक टर्मिनल टी वन। नीचे वाले वायर में मैं स्प्रिंग लगा देता हूँ और उसको एक टर्मिनल टी टू से कनेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? टी टू से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बेटा एक स्केल है जिसमें की रीडिंग लिखी हुई है, और मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंटर, ये क्या है? पॉइंटर। अब इस डिवाइस का नाम हमारे पास क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। क्या है बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? स्मॉल चेंज भी अगर करंट में हो रहा होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जितना ज्यादा करंट होगा बेटा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और उसके पॉइंटर ही बड़ा होता है ना, छोटा सा है, तो मैं गैल्वेनोमीटर दिखा कर रखा ही मैंने, है ना। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, उससे हमें पता पड़ जाए कि हाँ भाई छोटा सा भी अगर चेंज हुआ हो करंट में तो हमें पता पड़ जाए। करंट जब मैं यहां से पास कराऊंगा तो करंट कैरिंग लूप में करंट घूमना शुरू कर देगा, और जो करंट कैरिंग लूप है इनको रखा जाता है स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू शेप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, जो कि हमारे पास नॉर्थ से, अब देखो जहां से करंट सीधा ही जाएगा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहेगा? सॉफ्ट आयरन का कोर जो है, यहां पर क्या है मेरे पास? सॉफ्ट आयरन का कोर। जब ये नॉर्मल केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता, लेकिन अब हमारे पास हाँ इसके बीच में से जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? आयरन का कोर है। तो अट्रैक्ट करेगा बेटे इस बार ऐसे जा रहा हो, ऐसे अगर नॉर्थ से जाओ साउथ से जाओ ऐसे जाओ, यहाँ से ऐसे निकल रहा हो तो ऐसे, यहाँ से ऐसे, समझ में आ रहा है कहानी? और ये वाला जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बना, इसको ध्यान से देखा यार, इसका यूज है नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना कुछ इस तरीके का, ऐसा, इसके साथ सॉफ्ट आयरन कोर के साथ, ये एक्चुअल में हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की एक खासियत होती है कि ये जहां पर भी एक्ट करता है वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना देता है। क्या बना देता है? 90 डिग्री का एंगल, यानी कि जिस भी, जैसे ये इस पे एक्ट कर रहा है मटेरियल पे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास एंगल बना हुआ कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो इसका मैग्नेटिक करंट घुमा दो, करंट बाहर से लेके आओगे तो आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है तो करंट ये करोगे, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होगा कहीं से मुझे देखा, तो करंट तो अंदर जा, मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोल लो या फिर एरिया वेक्टर, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अंदर जा रहा है, जब ये अंदर जा रहा है घूमेगा, और इसमें आपको पता पड़ जाएगा कि जब एक कॉइल में ऐसे घूमता है तो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हमारे पास जब घूमेगा तो बेसिकली आपके पास एक थीटा जनरेट होगा, एंगल जनरेट होगा, आप समझो ना इसको ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बनाएगा। तो थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच में? मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह एरिया वेक्टर दोनों एम हो रहे थे, बात सेम है, बात देखो सेम, थीटा की वैल्यू आपको समझ में आ गई। मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वाली है? एरिया वाली। यहां तक कोई दिक्कत? आप ध्यान से, ये एक बार घुमा फिर घुमा फिर घुमा, ये वायर बने होते हैं किसके बने होते हैं बेटा? फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, है ना। इनका टॉर्शनल कॉन्स्टेंट काफी ज्यादा हाई होता है। क्या हाई होता है? टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। टॉर्शनल कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? देखो बेटा मेरे पास एक रस्सी है, उसको मैं इधर की तरफ घुमाऊंगा और किसी एक जगह से बांध, एक जगह से बांध के इधर की तरफ घुमाना चाहूंगा तो रस्सी क्या जाएगी? वापस इधर घूमना चाहेगी। तो ये जो उसकी वैल्यू है उसकी, उससे टॉर्शनल कॉन्स्टेंट है हर मटेरियल का, तो ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है,
क्योंकि जितना ये रेजिस्ट कर पाएगा उतना बढ़िया है ना। तो ये जो हमारे पास टॉर्क आया उसको ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है ये करना चाह रहा है, रिस्टोर करना चाह रहा है। जितना ज्यादा आप घुमाओगे टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के और नहीं थीटा नहीं ले सकता। रीजन बताओ क्या? तो एंगल बिटवीन एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ और है, लेट्स से अल्फा, लेट्स से अल्फा या फाइव, क्या लो बताओ? अब एक पहले अल्फा 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 यार डायरेक्टली अल्फा में फर्क नहीं बता पाएंगे, फाइव सर फाइव ठीक है। तो जितना तुम घुमाओगे उसे कितने डिग्री से घुमाया, लेट्स से तुमने फाइव डिग्री से घुमाया, टॉर्क बढ़ता जाएगा, फाइव जितना बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू सी फाइव, फाइव तो एंगल है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आप कर रहे हो, फाइव क्या है यहाँ पे आपके पास ट्विस्ट ट्विस्ट, और सी क्या है उस मेटीरियल का टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। जब हमारे पास एक लूप में एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें पैदा होने वाले टॉर्क की अभी डेरिवेशन हमने करी है क्या, एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ फाइव, चल जाएगा भाई क्योंकि इतना टॉर्क है भाई इसके इक्वल है, तो एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी फाइव। सो आई कैन राइट क्या निकालना है मुझे, मूविंग कॉइल कन्वर्टर करंट निकालना है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, सी फाई अपॉन एन ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री, कौन सा का रेडियल वाला, और रेडियल वाला कितने का बनाता है आपको समझाया पूरा, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है, तो साइन रेडियल 90 साइन 90 बन जाएगा, ये तो हमारे पास खत्म हो गया। मेरे पास आई की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, सी फाई बाय एन ए बी, सी फाई बाय एन ए बी। अच्छा आपकी इसमें दो तीन चीजें जो कॉन्स्टेंट रहेंगी वो क्या है, क्या मेटेरियल का सी कॉन्स्टेंट रहेगा, हमेशा रहेगा, क्या मेटेरियल में आप नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, कैसे बढ़ा दोगे, ये तो इसमें घूमता रहेगा ना, तो बाद में बढ़ा सकते हो, जब एक उसके अंदर काम कर लियो उसमें तो फिक्स ही है ना, इससे तो इस वाले सॉफ्ट एरर को जो आपने क्लैडिंग करी है, क्लैडिंग मतलब नंबर ऑफ टर्म्स डाले हैं उसमें, तो उसमें तो आपके पास फिक्स रहेंगे ना बेटा, उसका एरिया भी फिक्स रहेगा और उसकी नेगेटिव भी फिक्स रहेगा, यानी कि आपके पास चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई चेंज होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ फाई, जहां पर के हमारे पास है गैलोनोमीटर कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है सी बाय एन ए बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ गैलोनोमीटर कॉन्स्टेंट क्या निकालेंगे। अब जो आपके पास यहां पर फाई की वैल्यू है, तो फाइव की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हो, फाइव निकालो कितना जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन सी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आता है करंट सेंसिटिविटी, क्या आता है करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, कुछ भी नहीं, करंट सेंसिटिविटी पूछेगा तो अरे यार सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन लिखेगा तो आप देख देना कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट करंट, यानी कि फाइव बाय आई, ये करंट सेंसिटिविटी फाइव बाय आई, फाइव की वैल्यू क्या थी एन आई ए बी अपॉन सी, तो आपके पास करंट सेंसिटिविटी जिसको मैं आई कैप से लिख रहा हूँ, आई कैप तो गड़बड़ हो जाएगा, आई बड़ा आई डैश ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाइव की वैल्यू एन आई ए बी अपॉन सी इंटू आई, आई से आई कट गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन ए बी बाय,
यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है काफी सेंसिटिव है और उसकी जो करंट की सेंसिटिविटी है अगर मुझे वो बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, एरिया बढ़ाकर, बी बढ़ाकर, पर सी घटा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भैया कौन सा तरीका है जिससे आपके पास एक आनी है। ऐसे आपके पास आएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या आएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन वी, थीटा में फाइव अपॉन वी, फाइव की वैल्यू क्या है? एनआईएवी अपॉन सी। और वी की जगह कह सकता हूं मैं आई आर, आई से आई गया, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो कितनी आ गई? एन ए बी अपॉन सी आर, सी आर। अब मेरी बातों को ध्यान सुनो, करंट के केस में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर आई बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर बढ़ेगी, ए बढ़ाने पर बढ़ेगी, बी बढ़ाने पर बढ़ेगी, सी बढ़ाने पर घटेगी और आर बढ़ाने पर घटेगी। ये चीज हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, आपके पास केस, स्पेशल केस लिखूंगा मैं यहां पर, और इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी कि अगर मैं इसमें एम इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? ये बात है, ठीक है। तुमने क्या बढ़ाया? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए, या एक लूप में अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो लेंथ भी तो बढ़ रही है अपनी, और जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर एल बाई ए होता था याद है, रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। तो कुल मिला के जब आप एन बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ रहा है, फिर कटे तो कॉन्स्टेंट ही जाएंगे ना, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी कोई फर्क पड़ा? इन करंट सेंसिटिविटी फर्क पड़ेगा, हाँ करंट सेंसिटिविटी फर्क पड़ेगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों ने डिवाइस यूज किया कौन कौन से हैं? वोल्टमीटर है, अमीटर है, वो सब एक्चुअल में इसी गैल्वेनोमीटर से बने। अब देखो, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था ये स्मॉल डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर लेता, एक लिमिट तक जो है ऑब्जर्व कर लेता, लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू में करना हो तो मैं क्या करूं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर की मदद से काम नहीं चला सकता, गैल्वेनोमीटर की मदद से काम नहीं चला सकता। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो करंट को नाप दे, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस को नाप दे, और मुझे चाहिए बढ़िया चीज। तो बढ़िया चीज के लिए हमारे पास क्या है? एमीटर और वोल्टमीटर। क्या है? एमीटर और वोल्टमीटर। आज का लास्ट टॉपिक है कि जो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंटू किस किस में बेटा? वोल्टमीटर में और अमीटर। पहले मैं आपको बताता हूं अमीटर क्या है। अमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। बेटा एक्चुअली यहां पे जो हमारे पास करंट है ये बहुत छोटा या कम अमाउंट का करंट है, जो कि माइक्रो वैल्यू में, माइक्रो या मिली वैल्यू में, बहुत ज्यादा बड़ा करंट नहीं है। आपने देखा तो हमारे पास अमीटर से माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ, मिली एम्पियर से, है ना। तो अमीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है दैट इज यूज टू मेजर अ स्मॉल चेंज ऑन पासिंग करंट। जब करंट को जो मेजर कर दे वो हमारे पास क्या है? अमीटर। अब सुनो, अमीटर हमारे पास हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है बेटा, लाइंस के अक्रॉस। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास यहां पर मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्या था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जब मैंने छोटा मोटा करंट पास किया तब तो यार कहानी ऐसी थी कि इस वैल्यू से पास हो गया, इस वैल्यू से पास हो गया, लेकिन अब मैंने बहुत ज्यादा करंट पास किया तो झेल नहीं पाया,
बहुत ज्यादा वैल्यू से पास किया था, झेल नहीं पाया, तो मैं बहुत ज्यादा करंट पास करूंगा, इसलिए लोगों से स्विच टूट जाएगी गैल्वेनोमीटर की। तो आपको मैंने दिखाया था, हमारा याद है गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पोटेंशियल मीटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो क्यों हो रहा था, क्योंकि किसी ने 10-12-15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, 12-12 पे चेक कर रहे थे, सही सर 12 पे करो 14 पे करो, नहीं होगा ना, तो ये तो झेल नहीं पाएगा और इंडेक्स टूट जाएगा। तो ऐसे केस के लिए मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर के साथ ध्यान सुनना, अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का शंट कनेक्ट कर दूंगा। क्या कनेक्ट कर दूंगा? शंट कनेक्ट कर दूंगा। और ये शंट जब मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, अब सुनो करंट आप यहां से भेज दो करंट यहां से भेजोगे तो करंट कौन सा पाथ चूज करेगा, ये वाला है कि ये वाला? करंट विल ऑलवेज चूज दैट पाथ विच हैज मिनिमम रेजिस्टेंस, और मिनिमम रेजिस्टेंस किसमें? नए वाले के लिए तो बहुत ही लो वैल्यू ऑफ शंट है, तो यार करंट तो यहां से यहां पर पहुंच जाएगा और मुझे पहुंचाना नहीं था, और गैल्वेनोमीटर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मेन करंट यहां चला गया ना, जो चेंज आएगी वो इसमें आ जाएगी फिर हमारे पास। तो जब मैं अपना शंट, व्हेन शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, देन अ डिवाइस इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड अमीटर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे आइडियल अमीटर चाहिए, क्या चाहिए? आइडियल अमीटर चाहिए, तो करंट जितना पूरा जाए उतना बढ़िया है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर आइडियल चाहिए तो आइडियल अमीटर में याद रखना मुझे रेजिस्टेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तभी तो करंट इस पास से जाएगा। एन आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, वो कोई भी रेजिस्टेंस करंट के लिए ऑफर नहीं करेगा, जा भाई जी रे अपनी, मैं तेरे को क्यों रोकूंगा भाई अपने पास, तू करंट है मेरा दोस्त है, चला जाऊ। तो ये जो हमारे पास शंट है पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उससे क्या बन जाएगा? अमीटर। और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है। अब इससे नेट रेजिस्टेंस आया, आर नेट जो आया आपके पास किसका? अमीटर का, वो कितना आ जाएगा पैरेलल में? जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस, यार आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, वही तो कहानी है सिंपल वाली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आपसे पूछेगा कि भैया इसमें करंट कितना गया है, देखो आई करंट दिया है, लेट से यहां पर हमारे पास आई जी गया और यहां पर हमारे पास क्या गया? आई माइनस आई जी, समझ में आ रहा है ना? किरचॉफ का लगाना आता है, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, तो ऐसे तुम घूम रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस हो जाएगा आई जी इंटू जी, आई आर जी बता रेजिस्टेंस, जी का रेजिस्टेंस, और तुम ऐसे घूम रहे हो आई माइनस आई जी की डायरेक्शन सेंट में सेम, यानी कि किसमें जाएगा? माइनस, तो माइनस माइनस आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू जीरो। ये तो करते किसी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल निकालने के जीरो निकाल देते, बाकी सब सर्किट में जीरो हो गया, कंप्लीट टू हो गया, इधर पहुंच जाएगा तो आपके पास आ जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। शंट अगर आपको निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये आई सारे सेम है, गलती से भी बड़े छोटे मत कर देना, ठीक है? समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब ये तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गया? गैल्वेनोमीटर हमारा अमीटर में। अब मुझे किसमें बनाना है? इसको वोल्टमीटर में, ताकि क्या यार मेजर हो सके पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर क्या होता है? अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल अब देखो इस बार कहानी क्या होगी कि जो मेरा वोल्टमीटर है उसके लिए मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा और यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, यानी कि जब हमारे पास सीरीज में शंट कनेक्ट होता है, और शंट इस बार मेरे को चाहिए हैवी, क्या चाहिए? हैवी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना, भाई जो करंट यहां पर है वही करंट मुझे यहां पर चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी, यहां पे अप्लाई हो सकता है अलग अलग, यहां पे अप्लाई सकता है अलग अलग, तुमको उस करंट अलग अलग चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर, ताकि जिसको जितना चाहिए उतना मिले। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है? तो यहां पर रोक दूंगा तो जो भी वैल्यू होगी कम जाएगी, जिसको जितना चाहिए वो चला जाएगा। तो फॉर वोल्ट मीटर शंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये सीरीज का शंट है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? वेरी हाई, या आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट।
जितना ज्यादा होगा उतना हमारा फायदा है ना। तो इसका अगर तुम यहां से करंट भेज दो तो कितना हो जाएगा, आई आर मतलब ये आई एस प्लस आई जी, ये हो जाएगा हमारे पास नेट वैल्यू। तो आई आर इंटू आई आर नेट रेजिस्टेंस अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा एस प्लस जी। सीरीज में तो कनेक्शन आ गया, वो पैरेलल में था, समझ में आ गया। तो यहां पर आप लोगों के पास ये जो वोल्ट मीटर है उसमें अगर हमें कनेक्शन करना होता है तो हम लोग किसमें लगाते हैं बेटा, पैरेलल में। तो वी इज इक्वल टू आई आर, अब आई आर ये हो गया। अब देखो आई कॉमन सेम, मैंने आई सेम भी लिखा है क्योंकि सीरीज में, सीरीज का करंट सेम, तो आई कॉमन ले लोगे तो एस प्लस जी, क्यों जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ये जीरो थोड़ी होगा वहां पे, तो कॉमन पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं एक लूप में, वो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो V इज इक्वल टू अगर आपके पास पूछे तो इतना, और नेट अगर आपसे पूछेगा तो इतना हो जाएगा। आईडेंटिटी मीटर के हमारे पास लिखा है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया बट कोई बात नहीं, चलेंगे लंबी क्लासेस ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।